फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण जायका। आज मैं बची हुई रोटी से एक बहुत ही अच्छा रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने 5 रोटी लिया है, इसमें गाजर, प्याज, आलू, गोभी और शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। और ये बेसन का वो सेव आता है जो पतला, या बीकानेरी भुजिया जो भी ले सकते हैं। ये मैदे का घोल है, ये अनारदाना है, ये सोया सॉस है और ये ग्रेट किया हुआ पनीर है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर, टोमेटो सॉस, रिफाइंड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पनीर। मैं हल्के तेल से रोटी को सेकूंगी हाई फ्लेम में। ये सीख चुका है, इसे डाल देती हूँ। सभी रोटी को इस तरह मैंने सेक लिया है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब मैं वेजिटेबल डालूंगी सारा। मुझे नमक डालना है 1 टीस्पून, फ्लेम हाई रहेगा। इसे मैं लगभग 4 से 5 मिनट भूनूंगी। सब्जी भून चुका है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 3 टीस्पून। टू टीस्पून टमाटो सॉस, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालूंगी थोड़ा, मैंने मैदा लिया था जिसे मैं रोटी में यूज करने वाली हूँ, इसके इसमें डालने के लिए मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लोर लिया 1 टीस्पून, ये मैं डाल दूंगी।
फिलिंग मेरा रेडी है, अब मैं इसे बंद करती हूँ एक मिनट के लिए। मैं सभी रोटी को इस तरह से बीच से काट लूंगी। मैंने सभी रोटी को काट लिया है इस तरह से। अब मैं इसका कोन बनाऊंगी इस तरह से। और इसमें हल्का मैदा डालकर इसे मुझे बंद करना है। इस तरह से मैं सभी को रेडी करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने सारे कोन तैयार कर लिए हैं। मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ पैन में, और ये मैदे वाले पोर्शन को हमें नीचे की तरफ रखना है ताकि ये इसमें जुट जाए। ऊपर हल्की हल्की ऑयल डालना है। फिर इसे पलटना है। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसे बंद कर देती हूँ चूल्हा। अब हमें सॉस में इसे डिप करना है और वापस इस तरह से सभी कोन तैयार करना है। मैंने इस तरह से सारा तैयार कर लिया है। इसमें मैं फिलिंग डालूंगी इसके अंदर। फिर ये पनीर लिए इसके ऊपर अनारदाना। सभी इस तरह से तैयार कर लिया मैंने। मैं प्लेटिंग करूंगी। ये खूबसूरत सा प्लेट तैयार है।